हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारा दिवाली का इस समय चल रहा है तो इसको आखिर हम लोग कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको मिलने वाले हैं 50,000 डायमंड। तो भाई, जीतना बहुत ज़रूरी है, हर एक बंदा चाहता है कि इसको हम जीते। तो गाइस, कैसे जीतना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए, अपने टीम के साथ कैसे खेलना चाहिए, वो सारी चीज़ इसमें आपको बताने वाला हूँ। बट गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस, बात करें करेक्टर स्किल की तो सबसे पहले मैंने लूना करेक्टर को ले रखा है। उसके बाद गाइस, आपको सेकंड स्लॉट में आपको मिशा लेना है क्योंकि आपको गाड़ी का भी यूज करना है। और लास्ट में गाइस, यहां पे लुकेटा ले लेना है। एंड गाइस, यहां पे आपको पेट में ड्रैकी लेना है। और इसके बाद गाइस, ये वाला आपको ले लेना है। अब गाइस, ये वाला मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें दो मेडिकिट आपको सुपर मेडिकिट मिल जाता है, जबकि आप लोग जोन में अगर फंस जाओगे तो ये बहुत ज्यादा काम करेगा और अपने टीम को भी रिवाइव आप लोग दे सकते हो कहीं जाए बगैर। एंड गाइस, बात करें हमारे गन स्किन की तो मैं यहां पर गन स्किन ऑफ करके रखने वाला हूं, क्योंकि हमारे दिवाली कप में ऑलरेडी सब कुछ ऑफ कर दिया गया है। यानी कि हम लोग जब भी मैच खेलेंगे तो दिवाली कप में हमारा जो भी गन स्किन रहेगा वो सारे के सारे ऑफ रहने वाले हैं। तो हम ट्राई करेंगे गाइस कि ऑफ करके हम लोग मैच निकाल के देखेंगे, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड करने वाले हैं। तो चलो गाइस, मैच में चलते हैं। यहां पर गाइस, मैंने मैच को कर दिया स्टार्ट और कहां पर हमें उतरना चाहिए उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। तो गाइस, ऐसी जगह पे आपको अपनी टीम लेके जाना है। मैं तो यहां पे सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, टीम के साथ यहां पे ट्रेनिंग करना है। अगर आप लोग सही से ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपका हर एक मैच आप बुइया भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो बहुत सारे किल्स। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लूट करना होता है, हर एक बंदे को लूट करना होता है स्टार्टिंग में। तो आपको कौन सा गन वगैरह चलाना है, ये सारी चीज़ें आपको ना एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें किस रेंज पे गन चलाना है। अगर आप लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड करते हो तो आपको ऐसी गन चलानी है जैसे कि हो गया वेक्टर, क्योंकि डबल वेक्टर जो बंदा चलाता है तो वो स्क्वाड भी खत्म कर सकता है। तो आज यही मैं प्रूव करके भी दिखाने वाला हूं कि अगर मैं चलाऊंगा तो क्या मैं इस मैच को निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। तो यहां पर इसीलिए गाइस मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड स्टार्ट किया है। और ये चीज गाइस मैंने बीआर रैंक में किया है, कोई नॉर्मल मैच क्लासिक का नहीं है। तो पहले ही आपको मैं बता देता हूं कि नॉर्मल मैच क्लासिक का नहीं है, इसलिए गाइस यहां पर मैं चलाने वाला हूं डबल वेक्टर, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में। अब गाइस बात करते हैं डबल वेक्टर की, क्योंकि डबल वेक्टर मैं चलाने वाला हूं तो डबल वेक्टर आखिर मिलेगा कहां, तो ये चीज हमें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर डबल वेक्टर कहां पर है। तो मैं फटाफट डबल वेक्टर को यहां पर ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाता है तो मैं डायरेक्ट उसको पिन कर लूंगा। एंड उसके बाद गाइस, यहां पर हम लोग करने वाले हैं बहुत खतरनाक चैलेंज, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो आप लोग गेम में बने रहना, लास्ट तक जरूर से देखना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस, मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि आप लोग अपनी टीम को कैसे लीड कर सकते हो। अगर आप लोग सही से लीड करते हो अपनी टीम को तो आप लोग इस बार दिवाली कप आप लोग खुद विन कर सकते हो। आप लोग विन कर लोगे तो आप लोग इजीली गाइस यहां पे आप 50,000 डायमंड जीत सकते हो। तो यहां पर मुझे फाइनली यहां पे डबल वेक्टर मिल जाता है, तो मैं दोनों को ही ले लेता हूं, क्योंकि डबल वेक्टर आपके पास है तो आपके सामने वाला बंदा MP40 भी चलाएगा तो आप लोग उसको इजीली मार पाओगे। और एक बंदे को नहीं गाइस, यहां पे आप लोग दो दो बंदे या तीन तीन बंदे को एक साथ भी मार सकते हो अगर आपके पास डबल वेक्टर है तो। गाइस, अब बात करते हैं लीडर की, हमारा लीडर कैसा होना चाहिए भाई, जो हमें सजेस्ट करे कि हमें क्या करना चाहिए उसके मुताबिक हमें खेलना पड़ेगा। तो अगर हमारा लीडर ही अच्छा नहीं होगा तो हम लोग मैच को निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप लोग लीड कर रहे हो अपनी टीम को तो अच्छे से लीड करना सोच समझ के, क्योंकि जो भी आप लीड करोगे वही आपके टीममेट अप्लाई अगर करते हैं तो आप मैच निकाल पाओगे, क्योंकि एक बंदे के दिमाग से अगर गेम प्ले खेला जाए तो हर मैच आप लोग निकाल सकते हो। गाइस, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना कि आपका जो टीममेट होगा वो आपकी बात को मानना चाहिए, तब जाके आप अपना लीडरशिप अच्छे से पूरा कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके टीममेट आपकी बात ही नहीं मानेंगे तो फिर आप लोग लीड ही नहीं कर पाओगे और आप ना मैच को हार सकते हो। तो इसलिए आप अपनी टीम में ऐसे बंदों को ही ज्वाइन करना जो कि अच्छे खेलते हो और समझते हो और बात को सुनते हो, ताकि आप लोग उनको जो भी बोलो तो वो सेम टाइम पे अप्लाई भी कर दे, तभी आप लोग वो मैच को निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड में मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे मैं लूट करने के लिए इस साइड में जाता हूँ तो मुझे कुछ बंदे के फुट स्टेप आ जाते हैं और ये बंदा काफी ज्यादा मुझे डैमेज देता है। अब मेरे पास डबल वेक्टर होता है तो मैं इजीली बिना डरे इसको हेडशॉट के साथ खत्म कर देता हूं। उसके बाद गाइस, यहां पर मैं काफी देर तक लूट करता हूं, क्योंकि यार अभी मेरे पास ज्यादा लूट नहीं था और मैं एक ही गन चला रहा हूं, तो यहां पे SMG एमओ मेरे पास होना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके आपको SMG एमओ ले लेना है।
अब गाइस मैं यहाँ पर SMG एमओ लेने के बाद इस जगह पे आ जाता हूँ। अब मुझे निकलना था यहाँ से क्योंकि अब जोन भी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा था, और जैसे ही यह जोन श्रिंक होता है ना तो आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, नहीं तो आप लोग अगर जोन में फंस गए डबल वेक्टर लेके तो फिर गाइस निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास निशा करेक्टर होगा तो आप लोग ड्राइव करके ईजिली कहीं से भी निकल सकते हो, कोई बंदा आपको मार नहीं पाएगा। तो अपने टीम को भी बोलना कि गाड़ी वाला पावर हमेशा आप लोग लेके रखना, बिकॉज आप लोग किसी भी बंदे को ठोक कर ईजिली खत्म कर सकते हो, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलता खड़ा होने का जब तक आप लोग उसको खत्म कर सकते हो। और डबल वेक्टर गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा तेज चलता है, तो आप लोग इसको यूज करना विदाउट स्किन में आप लोग यूज करना गाइस, क्योंकि अगर विदाउट स्किन में आप लोग ट्राई करोगे और ट्रेनिंग करोगे तो आप लोग गाइस यहाँ पे काफी अच्छा किल निकाल सकते हो, क्योंकि हमें इस पे किल के ही नंबर मिलने वाले हैं। जितने भी पॉइंट मिलेंगे तो हमको किल के मिलेंगे, तो अपनी टीम को ना अपने पीछे पीछे रखो गाइस हमेशा। तो क्या करना है, अगर एक बंदे को आप लोग ठोकते हो गाड़ी से तो इजिली सारे बंदे मिलकर एक सेकेंड लगेगा आप लोग उनको खत्म कर सकते हो, तो ईजिली रहेगा गाइस। किल आपको मिले ना मिले आपकी टीम में ऐड हो जाएगा किल, तो आपके जितने भी किल होंगे वो सारे के सारे ऐड होते रहेंगे, तो आप लोगों को ही वो किल मिलेगा। मतलब गाइस आपकी टीम द्वारा जो भी किल किया जाएगा तो उसको आपके खाते में ही काउंट किया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी टीम का यूज करना है और उनको भाई बोलना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पास में रहो, ज्यादा से ज्यादा किल करने की कोशिश करना है, क्योंकि हमें किल के पॉइंट मिलने वाले हैं। अब जैसे ही गाइस मैं पिक के पास में आता हूं तो यहां पर मुझे एक बंदा दिखता है जो कि MAC-7 यूज कर रहा था। तो MAC-7 भाई अगर यूज कर रहा है कोई बंदा तो थोड़ा सा बच के रहना, लेकिन यार हमारे पास डबल वेक्टर है तो हम लोग डबल वेक्टर से इजीली यार कोई से भी बंदे को मार सकते हैं, चाहे वो डबल वेक्टर वाला ही क्यों ना हो। अगर आप लोग सही करेक्टर यूज कर रहे हो तो डबल वेक्टर वाला बंदा भी आपको नहीं मार पाएगा, जो मैंने बताया शुरू में आप लोग उसको बस फॉलो करना, आप लोग सेम खेलोगे तो सेम आप लोग मैच जीतोगे। अब पीछे से एक बंदा मुझे मार रहा था तो मैं यहां से निकल लेता हूं। ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको फाइट बिल्कुल भी करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे में फाइट करने लगोगे तो 2-3 बंदे आपको मार सकते हैं। अभी मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा हूं इसलिए मैं निकल गया वहां से, नहीं तो मैं यहीं पे उनको रुक कर मार सकता था। अब यहां पर ये बंदा अकेला मिलता तो इसको इजीली गाइस यहां पर मैं फिनिश कर देता हूं। आपको क्या करना है, फिनिश करना है, हर एक बंदे को डाउन करने के बाद फिनिश करना है, आपको रिवाइव होने का मौका नहीं देना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने फिनिश कर दिया तो आपका ना एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को ना ज्यादा से ज्यादा किल करना है, तो मैंने यहां पर 4 किल कर दिया है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, अभी भी 32 बंदे अलाइव है। तो अभी क्या गाइस मुझे करना है, अभी थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जोन काफी ज्यादा श्रिंक हो चुका है और छोटे जोन में आपको ज्यादा से ज्यादा किल मिलेगा। तो एक बंदा और भाग रहा था तो इसको भी मैं जाके खत्म कर देता हूं। तो देखो गाइस यहां पे कितना इजी हो जाता है डबल वेक्टर से, तो यहां पे मेरे को किंग स्लेयर वाला एक मेरा मिशन भी यहां पर पूरा हो जाता है। तो फटाफट गाइस यहां पे अपनी गाड़ी को उठाते हैं और यहां से निकलते हैं, और गाड़ी को भी देखते रहना गाइस कि कोई बंदा दूसरा ले ना जाए, नहीं तो आप ना फंस सकते हो। अगर आपके गाड़ी आपके हाथ से चली गई तो आप लोग फंस सकते हो, तो इसलिए आपकी अपनी गाड़ी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड गाइस आप लोग टीम को अपने ये बोलना कि हमेशा साथ में रहना, अगर कोई बंदा आपका साथ छोड़ता है यानी कि आपसे अलग हो जाता है गाड़ी लेकर, तो समझ लेना गाइस अब यहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। अगर एक बंदा आपका आपके टीम में से बाहर हुआ तो, या फिर नॉक हुआ या फिर खत्म हुआ, तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी क्योंकि उसको रिवाइव भी देना है। और गाइस अगर आपकी टीम कमजोर हो गई तो आपको कोई भी बंदा मिलकर मार भी सकता है, इसलिए आपको ना अपने टीममेट को हमेशा बोलना कि गाड़ी लेके रखो और पीछे पीछे चलते रहो, जिसको ठोको तुम तो सारे बंदे उतर के एक साथ मार दो बस खत्म डायरेक्ट। एक बंदा अगर मिलता है तो उसको ठोको डायरेक्ट खत्म करो, स्क्वाड के अंदर घुसने की ट्राई मत करना, क्योंकि अगर स्क्वाड के अंदर आप लोग घुसते हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर चारों बंदे घुसते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अकेले घुसते हो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन गाइस यहां पे मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा हूं तो मुझे अकेले ही सब संभालना पड़ेगा। तो एक बंदे को मैंने फिर ठोका और इसको गाइस क्या करा, मौका नहीं दिया, इसको भी मैंने पूरा खत्म किया। तो गाइस यहां पर मैंने इसको पहले डाउन किया है और इसको पूरा फिनिश करूंगा, क्योंकि मेरा एक और किल हो चुका है, यहां पे 6 किल हो जाता है टोटली। तो अभी मैं गाड़ी को भी देख रहा हूं कि मेरी गाड़ी काफी नीचे चली गई है। एंड आप लोग ये भी ध्यान रखना कि अगर आपकी गाड़ी थोड़ा सा दूर हो आपसे तो आपको क्या करना है, तुरंत गाड़ी के पास जाना है, क्योंकि आपके पास जो करेक्टर होना चाहिए वो नहीं है। मतलब आप सिर्फ गाड़ी में रहकर ही किल करोगे तो ही आप लोग ऐसा कर पाओगे, तो ज्यादा आप लोग क्लोज रेंज में फाइट करने की कोशिश मत करना अगर आपके पास गाड़ी नहीं है। तो अगर गाड़ी है तो क्लोज रेंज में आप लोग जाकर तुरंत फाइट करो, तुरंत बंदे को किल करो और उसके बाद गाड़ी में बैठो, वहां से 9-2-11 हो जाओ, क्योंकि यार एक जगह पे टिक के रहोगे तो आप लोगों को कोई ना कोई बंदा टारगेट कर ही लेगा, आपकी टीम को भी टारगेट कर सकता है, तो इसलिए सारे के सारे बंदे घूमते रहो। वैसे भी अगर आपके पास गाड़ी है तो सारे बंदे डर जाते हैं, क्योंकि अगर एक साइड से गाड़ी आ रही है 3-4 तो आपको क्या करना है, कोई भी बंदा सामने आपसे फाइट करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अगर खड़ा होगा तो आप लोग ना इजिली उसको ठोक कर उड़ा दोगे और खत्म भी कर सकते हो।
अब देखो गाइस यहाँ पे स्नाइपर के जो बंदे होते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वो आपकी गाड़ी को भी ब्लास्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास 4x वाला स्कोप होता है, तो स्कोप लगा के वो फाइट करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा हमें संभल के रहना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी मिल जाती है और मैं इसका यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मिशा करेक्टर ले रखा है, तो मैं कोई सी भी गाड़ी चला सकता हूँ यहाँ पर, और डैमेज भी बहुत कम पड़ने वाला है। तो आप लोग ना एक गाड़ी को टारगेट करके कभी भी मत रखना, कम से कम दो गाड़ी को आपको टारगेट करके रखना है कि मैप में कहाँ कहाँ बंदे हैं और कहाँ कहाँ गाड़ी है। तो यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, तो अब इसके साथ भी मुझे फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बंदा थोड़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म करके और यहाँ पर मेरा 7 किल हो जाता है। और यहाँ से अब क्या करना है गाइस, मुझे निकलना पड़ेगा, ज़्यादा मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर जोन में फंस गया तो फिर भाई बहुत ज़्यादा जोन भी काटेगा, तो यहाँ से निकल जाना है। और आप लोगों को तो एक्टिव स्किल में आपको तो पता ही है के करेक्टर लेना है, क्योंकि अगर हम लोग BR रैंक खेलते हैं तो के करेक्टर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के करेक्टर की वजह से ही अपनी HP को हमेशा मेंटेन करके रख सकते हो। एंड गाइस ऊपर 9 बंदे और अलाइव है, तो अब मुझे ना ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से मैं बंदों को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और यहाँ पर गाइस वेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार इतने सारे मैंने किल कर लिया, 8 किल कर लिया सोलो वर्सेस स्क्वाड में, अब बुइया भी कर लेता हूँ, तो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक है, अगर मॉन्स्टर ट्रक में आप लोग बैठ जाते हो तो बहुत ही कम डैमेज पड़ेगा, कोई भी अगर स्नाइपर वाला बंदा होगा तो भी आप उससे बच सकते हो। तो मैं इस वाले बंदे को ठोकता हूँ, लेकिन गाइस ये बंदा यार थोड़ा सा बच जाता है, और मैं भी यार ग्लू बॉल लगा के यहाँ पे बच जाता हूँ और तुरंत गाड़ी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि अब लास्ट के कुछ ही बंदे बचे थे और एक पूरा स्क्वाड भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे किल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मुझे किल मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। तो 9 किल हो चुके हैं, अभी भी 6 बंदे अलाइव है, तो मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि ऊपर साइड से यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, अगर कोई बंदा रश करेगा तो मैं उसको इजीली यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो एक बंदा रश करने आ रहा था मेरे साइड में, इसके पास मुझे लग रहा था कि M10 है, बट गाइस इसके पास होता M10 ही है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है मुझे, लेकिन मैं इसको अभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये वाला बंदा यार मुझे काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर रहा है M10 लेकर, क्योंकि मेरे पास अभी M10 नहीं है और मैं चला रहा हूँ डबल वेक्टर। तो डबल वेक्टर से गाइस आप लोग किल निकाल सकते हो, जरूरी नहीं M10 वाला बंदा ही जीत पाए, अगर उसके पास 3 चिप की है तो ज़्यादा क्लोज रेंज में मत जाना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है आपको। तो 5 बंदे और बचे हैं, वो बंदे से अभी मैं फाइट नहीं लूँगा, तो आप लोगों को जब भी मौका मिले तब फाइट लेना, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ना किसी भी बंदे के साथ डायरेक्ट सीधा फाइट ले लो और आप लोग यहाँ पर मर सकते हो। तो ये देखो आपस में फाइट कर रहे हैं और नीचे भी बंदा है, तो इस वाले बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया और ये बंदा यार अब बच नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने इसको डाउन किया। और ऊपर वाला बंदा यहाँ पर समझ जाता है कि यार ये बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा है, तो ऊपर वाला बंदा यहाँ पर कवर में चला जाता है और इसको मारने के लिए मैं इसके पीछे जाता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, तो मैं यहाँ पर दोनों बंदों को मार कर बुइया निकाल लेता हूँ। और सोलो वर्सेस स्क्वाड में गाइस यहाँ पे विक्टर चैलेंज मेरा सक्सेसफुली रहा, और आप लोग कमेंट करके बताना गाइस गेम प्ले कैसा रहा, आप लोगों का यहाँ पे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस आप लोगों से जाते जाते एक बात कहूँगा कि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यार अपडेट जो आएगा वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग अपना रैंक भी यहाँ पर पुश कर सकते हो, जो बोलोगे आप लोग स्ट्रेटेजी वैसे ही स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप लोग अगर वो सीख गए तो आप लोग हर एक मैच को निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस।